हेलो फ्रेंड्स वेलकम गेन टू माय यूट्यूब चैनल तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के टेंथ एपिसोड के बारे में अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर देख सकते हैं तो मिशन नाइन्टी प्लस के नाइन्थ एपिसोड में हमने डिस्कस किए थे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें हमने फाइंड आउट किया था कि अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना हो तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और वो सारे स्टेप्स हमने रिवाइज किए थे जो अब तक हमने डिस्कस किए थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए तो कैश फ्लो को हम बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें से फर्स्ट टू पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं अगर कोई भी लेक्चर आपने मिस किया है तो सभी लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है आप जब मर्जी उसको देख सकते हैं तो so, आज के इस टेंथ एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती क्या है देन हम एक्टिविटी का फॉर्मेट अंडरस्टैंड करेंगे जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा और लास्ट में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक्चुअल में पता चल जाए कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें अकाउंट्स इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग उन सभी वीडियोस का लिंक तुरंत आपको मिल जाए और इसके साथ साथ अगर अब तक आपने हमारी अन अकेडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप जाकर फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर भी आपके लिए कुछ फ्री क्लासेस अरेंज की जाती हैं ताकि आपके टॉपिक्स जल्दी कवर अप हो जाए जैसे कि आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस अरेंज की गई हैं मेरी प्रोफाइल पर जो कि बिल्कुल फ्री लाइव हैं तो ये आपके लिए अरेंज की गई हैं फोर्टीन जेन जेन टाइमिंग इज 7:45 फोर्टी फाइव टू एट फोर्टी और इस पर्टिकुलर क्लास में हम कुछ सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम एटी मार्क्स का जो पूरा क्वेश्चन पेपर आता है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्व करेंगे कैसे आंसर शीट प्रेजेंट करनी है रफ वर्क कहाँ पर शो करना है सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है जल्दी से अनअकेडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए देन इसके साथ साथ वहां पर आपके लिए कुछ प्लस क्लासेस भी अरेंज की जाती हैं जिसमें हम पूरा ही सिलेबस कवर करते हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बिजनेस मैथ्स इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन कंप्यूटर सारा ही सिलेबस आपका सभी सब्जेक्ट्स का कवर किया जाता है प्लस क्लासेस में सो so, हमारी जो प्लस क्लासेस चल रही हैं ये उसका टाइम टेबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स मंडे टू फ्राइडे सिक्स थर्टी टू सेवन थर्टी एंड बिजनेस स्टडीज सैटरडे संडे सिक्स थर्टी टू सेवन थर्टी प्लस क्लासेस में ज्वाइन करने का आपका बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है आजकल जो पर्सन ट्यूशन चल रही हैं उसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि वहां पर आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है सारे सब्जेक्ट कोई भी टीचर आपको टीच नहीं कर सकता है यहाँ पर बहुत सारे एडुकेटर्स हैं जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको टॉप क्वालिटी और डाउट्स को डिस्कस करने के लिए ना एक अलग से सेशन रखा जाता है जिसमें आप अपने सिर्फ डाउट्स हमें भेज सकते हो क्वेश्चन आप हमें सेंड करोगे और हम उसको लाइव डिस्कस करेंगे देन एम टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं सब्जेक्टिव टेस्ट में आपका रिटर्न एग्जाम किया जाएगा पूरा एटी मार्क्स का जितना भी सिलेबस हम कवर करेंगे यानी पूरा सिलेबस जो हम कवर करेंगे उसके रिटर्न नोट्स भी आपको मिल जाएंगे तो सब्जेक्टिव टेस्ट और एमसीक्यू ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है लेकिन प्लस क्लासेस में अवेल करने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट सिक्स की राइट नाउ आपके पास टाइमिंग है तो आप इसको एक्वायर कर सकते हो मंथ्स के अकॉर्डिंग पर मंथ आपकी पेमेंट बनेगी फिफ्टीन हंड्रेड और फिफ्टीन हंड्रेड में आपका सारा ही सिलेबस कवर हो जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का एक सब्जेक्ट नहीं सभी सब्जेक्ट्स का विद रिटन नोट्स विद डाउट क्लियरिंग सेशन और इतना ही नहीं आपको और भी डिस्काउंट मिल सकता है जब आप ये कोड यूज करोगे तो टेन परसेंट डिस्काउंट के बाद आपकी पर मंथ वैल्यू और भी कम हो जाती है तो जल्दी से हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लीजिए फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि प्लस क्लासेस में आपने कैसे ज्वाइन करना है थ्री मंथस मंथ्स ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं चलिए सो स्टार्ट करते हैं लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपका आपके फ्रेंड्स का और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी लाइक like होगी उतनी ही जल्दी आपको फ्यूचर के 95 प्लस सीरीज के एपिसोड्स मिलते रहेंगे चलिए तो आज हमें डिस्कस करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड पार्ट दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है नेम से ही पता चल रहा है बिजनेस की ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू एक बिजनेस फाइनेंस अरेंज करता है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए बिना फाइनेंस के बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जा सकती सब कुछ परफॉर्म करने के लिए छोटी से छोटी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस इज मस्ट तो जो भी अमाउंट अरेंज की जाती है बिजनेस की साइकिल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो यहां पर हमें कह रहे हैं

और जब वो उसी फाइनेंस की रीपेमेंट करेगा विद इंटरेस्ट विद डिविडेंड विद प्रिंसिपल अमाउंट तो उसको हम क्या बोलेंगे आउटफ्लो तो बेसिकली इसमें दो ही मेजर एक्टिविटीज हैं फर्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस जो कि इनफ्लो है एंड सेकंड इज रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस जिसको हम क्या बोलेंगे आउटफ्लो तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इन तीनों को हम दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो सिमिलरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी हम दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पैसा कितना आया यानी कितना फाइनेंस हमने रेज किया और पैसा कितना गया यानी कितना फाइनेंस हमने वापस कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हमारे पास है इनफ्लो और ये हमारे पास है आउटफ्लो यानी वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू एक बिजनेस के पास पैसा आता है थ्रू फाइनेंशियल एक्टिविटीज फर्स्ट इज इशू ऑफ शेयर जब एक कंपनी मार्केट में शेयर इशू करेगी तो बदले में उसको पैसा मिलेगा इट मींस इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इशू ऑफ डिवेंचर्स सिमिलरली अगर कंपनी शेयर्स को इशू नहीं करती है डिवेंचर्स को इशू करती है तो भी तो पैसा मिलेगा इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्योंकि ये अमाउंट अरेंज की गई है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ये फाइनेंस है इन्वेस्टिंग नहीं है ऑपरेटिंग नहीं है देन लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स जो लॉन्ग टर्म बोरोस है जो अमाउंट अरेंज की गई है बैंक लोन से दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहां पर आपको याद रखना होगा कि शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स काउंट नहीं की जा सकती क्योंकि आप उसको ट्रीट कर सकते हो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के टाइम पर यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट यहीं पर डील होता है अगर बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब हम बैंक से और भी ज्यादा पैसा विदड्रॉ कर रहे हैं मतलब अमाउंट अरेंज कर रहे हैं दैट इज इनफ्लो इसके ऑपोजिट हमारे पास आता है आउटफ्लो जो पैसा हमने लोन से अरेंज किया था अगर हम उसको वापस कर दें दैट इज आउटफ्लो सो रीपेमेंट ऑफ लोन नेक्स्ट रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने पर पैसा आता है इनफ्लो और अगर वही पैसा हम वापस कर दें तो आउटफ्लो बाय ऑफ शेयर बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है तो पैसा मिलता है लेकिन अगर कंपनी अपने ही इशू किए हुए शेयर्स मार्केट से परचेज कर ले बाय कर ले तो आउटफ्लो होगा इसी तरह पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तो जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी जो भी डिविडेंड पे किया जाएगा एज एन एक्स्ट्रा अमाउंट वो भी आउटफ्लो है लास्ट इनकम टैक्स पेड इनकम टैक्स पेड ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड कोई भी आपने टैक्स पे किया है कहाँ रिकॉर्ड करना होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जिसके थ्रू बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फाइनेंस अरेन्ज किया जाता है फाइनेंस को अरेन्ज करना इनफ्लो फाइनेंस को वापिस कर देना आउटफ्लो अगर इसके हम फॉर्मेट की बात करें तो इनफ्लो और आउटफ्लो दो हिस्सों में बटा हुआ है फर्स्ट हमारे पास आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी वो सारी एक्टिविटीज जिसके थ्रू अमाउंट रिसीव हो रही है जैसे शेयर इशू करना डिबेंचर इशू करना लेकिन आपको पता होना चाहिए कंपनी जो है वो शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है तो प्रीमियम इसके साथ ही काउंट किया जाएगा और डिबेंचर्स प्रीमियम पर भी हो सकते हैं डिस्काउंट पर भी हो सकते हैं अगर एक कंपनी प्रीमियम पर डिवेंचर्स इशू कर रही है तो प्रीमियम के साथ हम यहां पर अमाउंट लिखेंगे और अगर डिस्काउंट पर इशू कर रही है तो डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे देन लोन रिसीव्ड। अगर लोन एक्वायर किया है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वो दोनों इसमें काउंट किया जाएगा तो इसका मतलब यहां पर हम शॉर्ट टर्म भी काउंट कर सकते हैं लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको करंट एसेड और करंट लाइबिलिटी में ट्रीट करना है वो भी आप कर सकते हो तो लास्ट में आपको नोट लिखना पड़ेगा एजम्शन देनी पड़ेगी कि आपने इसको क्या ट्रीट किया है करंट लाइबिलिटी या फिर इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म काउंट की जा सकती है तो अगर एक बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस रेज करता है बैंक से लोन लेता है तो अमाउंट रिसीव हो रही है दैट इज इन फ्लो तो हम यहां पर काउंट कर सकते हैं देन इसके बाद हमारे पास आता है आउटफ्लो तो ये हमारे पास वो सारी एक्टिविटीज हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं और इससे पैसा आउटफ्लो होता है यानी पैसा देना पड़ता है जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की अमाउंट वापस करना या फिर शेयर्स के अमाउंट वापस करना शेयर्स को दोबारा से परचेज कर लेना जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन लिया था उसके पैसे वापस करना इंट्रीम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड पे करना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देना या फिर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन आपने जो लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देना क्योंकि आपको पता है जो भी आप फाइनेंस रेस करोगे उसके ऊपर डिविडेंड या इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ता है ना तो इसलिए वो भी आउटफ्लो है चलिए तो फॉर्मेट करने के बाद अब हम आ जाते हैं इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑफ अ कंपनी तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है इसके थ्रू हमें सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग दी हुई है प्रेफरेंस शेयर्स अगेन प्रेफरेंस शेयर्स और लास्ट में इक्विटी और प्रेफरेंस और डिवेंचर्स सबके लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें इसका मतलब सबका ट्रीटमेंट जब हमें करना है तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा चलिए फर्स्ट हमारे पास है इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल का टू ईयर्स का डाटा हमें गिवन है हमें ऑब्जर्व करके फाइंड आउट करना होगा कि कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं या बायबैक किए हैं तो ये हमारे पास है प्रीवियस ईयर का डाटा और ये हमारे पास है करंट ईयर का डाटा तो कंपैरिजन करने के बाद हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास इक्विटी शेयर्स सेवन लैक के थे लेकिन अब वो इंक्रीज हो चुके हैं और नाइन लैख के हो चुके हैं भाई अपने आप कैसे इक्विटी शेयर्स के अमाउंट बढ़ गई इसका मतलब कंपनी ने जरूर इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे ठीक है तो कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं यानी ये इनफ्लो है अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करेगी तो बदले में पैसा मिलेगा यानी ये इनफ्लो है अब इसके रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है वो भी हमें यूज करनी है फर्स्ट हमें कह रहे हैं इंट्रीम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वॉज पेड फिफ्टीन परसेंट तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड देना पड़ता है डिविडेंड देंगे तो आउटफ्लो होगा ऑब्वियसली ये आउटफ्लो है लेकिन इंटरेस्ट फिफ्टीन परसेंट जो देना है वो कौन से अमाउंट पे देना है सेवन लैख पर या नाइन लैख पर आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा बिगिनिंग की वैल्यू पर हमें देना होता है यानी सेवन लैक के ऊपर लेकिन अगर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि एडिशनल इक्विटी शेयर्स कब इशू किए गए हैं तो डेट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो यहां पर देख लेते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये भी प्रेफरेंस शेयर के ये भी प्रेफरेंस शेयर किए हमें इक्विटी शेयर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए ये लिखा न्यू शेयर्स एंड डिवेंचर्स लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर यानी जितने भी शेयर्स या डिवेंचर्स मार्केट में इशू किए गए हैं ना वो लास्ट में इशू किए गए हैं यानी ये जो टू लैख का इंक्रीज हुआ है ये कब हुआ है क्लोजिंग डेट पर थर्टी फर्स्ट मार्च पर तो क्योंकि कंपनी ने थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी को टू लैख के इक्विटी शेयर्स इशू किए इसका मतलब जो टू लैख ,00 के इक्विटी शेयर आए हैं उनको नहीं दिया जाएगा डिविडेंड भाई उनको डिविडेंड क्यों देंगे उनको तो अभी अभी हमने इशू किया है ना डिविडेंड तो उनको देंगे जो हमारे पास एक साल से इक्विटी शेयर्स अवेलेबल हैं तो सेवन लैख ,00 वो इक्विटी शेयर्स हैं जो फर्स्ट अप्रैल 2019 से लेकर अब तक हमारे पास है तो डिविडेंड तो उन्हीं को देंगे ना टू लैख ,00 के ऊपर तो डिविडेंड नहीं देंगे तो यही पॉइंट आपको कंसिडर करना है अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको डिविडेंड पे करना है अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंग अगर यहां पर लिखा होता कि न्यू इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं इन द मिडल ऑफ द ईयर यानी ड्यूरिंग इशू किए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेप्टेंबर को तो आपको मंथ वाइज करनी पड़ती तो अभी तो हमें सिंपली ये बोला गया डिवेंचर्स और शेयर्स आपने लास्ट में इशू किए तो जो लास्ट में इशू किए हैं उनको तो हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे किनको पे करेंगे जो बिगिनिंग से अब तक हमारे पास है तो सेवन लैख इंटू फिफ्टीन परसेंट तो ये हमारे पास आएगा वन लैख फाइव थाउजेंड ये आउटफ्लो है इसको माइनस करेंगे अब इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग हमें जितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी वो हमने यूज कर ली इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मेट है सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो सबसे पहले हमें इनफ्लो लिख लेने जरूरी नहीं है कि आपको इनफ्लो और आउटफ्लो को डिवाइड करना है आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन तब आपको कंफ्यूजन रहेगी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो गलती से प्लस वाले को माइनस कर दिया या माइनस वाले को प्लस कर दिया तो आंसर नहीं आएगा तो इसलिए प्रेफर ये करो कि आप सेपरेट लिखो इनफ्लो और आउटफ्लो चलिए सो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स तो हमने इशू किए इक्विटी शेयर्स अगर इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो ऑब्वियसली अमाउंट रिसीव होगी टू लैख सिमिलरली अब इक्विटी शेयर्स के ऊपर हमें डिविडेंड भी देना पड़ेगा और डिविडेंड हमने कैलकुलेट कर लिया डिविडेंड देंगे तो आउटफ्लो है तो यहां पर हम लिखेंगे इन डिडेंट जो कि हमें माइनस करना है सो so ब्रैकेट में लिखेंगे वन लैख फाइव थाउजेंड सो एक इंफॉर्मेशन हमने प्रॉपरली यूज कर ली अब हम अगले इंफॉर्मेशन पे आते हैं नेक्स्ट हमें कह रहे हैं ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आप बढ़ेगा इंक्रीज हुए के डिक्रीज हुए देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर्स पहले थे फाइव लैक के लेकिन अब डिक्रीज हो चुके हैं और थ्री लैख हो चुके हैं डिक्रीज होना मतलब डिक्रीज होने का मतलब हमने प्रेफरेंस शेयर को पैसे वापिस कर दिए आउटफ्लो तो यहां पर हम लिख देते हैं आउटफ्लो है अब लेकिन इसके रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है वो भी हमें यूज कर लेनी चाहिए सबसे पहले हमें कह रहे हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वॉस पेड प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंट दिया जाएगा कितने परसेंट ट्वेल्व परसेंट और वो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा तो डिविडेंड हम कौन सी अमाउंट पर देंगे थ्री लैख या फाइव लैख हमें प्रेफरेंस शेयर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है हमें बताया ही नहीं कि हमने पैसे वापस कब किए कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम यही एज्यूम करेंगे कि जो टू लैख हमने रुपीज वापिस किए हैं यहां पर जो टू लैख रुपीज हमने वापस किए हैं वो लास्ट में वापस किए हैं इसका मतलब जो डिविडेंड दिया जाएगा वो बिगनिंग बैलेंस पे दिया जाएगा दैट इज फाइव लैख लैख इंटू ट्वेल्व परसेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड तो सिक्सटी थाउजेंड हमने देना है एज अ डिविडेंड तो ये भी आउटफ्लो है यानी माइनस करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग ही हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% यानी जब प्रेफरेंस शेयर्स को हमने पैसे वापस किए ना तो प्रीमियम पर पैसे वापस किए यानी एक्स्ट्रा वैल्यू वापस की तो हमने कितने अमाउंट वापस किए प्रेफरेंस शेयर्स को 2 लाख 2 लाख प्लस 5% हमने एक्स्ट्रा वैल्यू वापस की है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी टू लैख प्लस टेन थाउजेंड तो टोटल हमने टू लाख टेन थाउजेंड वापिस किया है तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर में तीनों ही इंफॉर्मेश्स आउटफ्लो है रिडीम किए हैं पैसे वापिस किए हैं डिविडेंड भी दिया है और जो रिडीम की है वैल्यू वो फाइव परसेंट एक्स्ट्रा है फाइव परसेंट किसकी टू लेख की ना टेन थाउजेंड तो तीनों ही आउटफ्लो है तो हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे रिडेम्शन ऑफ शेयर टू लैख देन रिडेम्शन रिडेम्शन के टाइम पर हमने प्रीमियम भी पे किया है ना तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टेन थाउजेंड ये भी माइनस करना लास्ट हमारे पास है डिविडेंड जो हमने पे किया है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर सिक्सटी थाउजेंड भी माइनस करना है तो इसको भी ब्रैकेट में तो इसका मतलब सॉल्यूशन ये है कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको पूरा यूज कर लो तब नेक्स्ट स्टेप पे जाओ कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल छूटनी नहीं चाहिए नहीं तो आंसर नहीं आएगा ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अब यहां पर देखिए हमने इक्विटी शेयर्स शेयर्स को इशू किया है है हमें मिला है, और प्रेफरेंस ये भी इंक्रीज हो रहे पहले वन लैख था अब वन लैख फोर्टी थाउजेंड हो गया यानी हमने जो शेयर्स इशू किए हैं वो प्रीमियम पर इशू किए तो हम चाहे तो इसमें प्लस कर सकते हैं फोर्टी थाउजेंड तो टू लैख फोर्टी थाउजेंड हो जाएगा लेकिन सेपरेटली भी मैंशन किया जा सकता है क्या लिखेंगे प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ४०,०००. सिमिलरली लास्ट हमारे पास है १२ परसेंट डिवेंचर्स अब डिवेंचर्स देखा जाए तो ये भी एक्टिविटी है डिवेंचर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं पहले ये थ्री के थे अब ये फोर लैख के हो गए यानी हमने के और किए तभी तो हमें पैसा मिल रहा है अच्छा तो इसका मतलब ये इनफ्लो है लेकिन अब यहां पर ट्वेल्व परसेंट दिया हुआ है इसका मतलब डिवेंचर्स को इंटरेस्ट भी हमें देना होगा लेकिन इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू के ऊपर थ्री लैख या फोर लैख अगर कोई इंफॉर्मेशन तो करेंगे लेकिन अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहां पर हमें कह रहे हैं डिवेंचर इशूड ऑन द लास्ट डेट ऑफ करंट ईयर तो डिवेंचर तो आखिरी में इशू किए गए हैं ना ये जो वन लैख डिचर्स हैं ये लास्ट में इशू किए गए हैं तो अभी तो इनको वन ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ तो इनको हम थोड़ी इंटरेस्ट देंगे जो पहले से ही हमारे पास डिबेंचर हैं थ्री लैख हम उन्हीं को तो इंटरेस्ट देंगे ना तो इसका मतलब थ्री लैख के ऊपर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ट्वेल्व परसेंट क्या आएगा थर्टी सिक्स थाउजेंड अब इंटरेस्ट पे करना कैश का आउटफ्लो होता है तो इसलिए माइनस करेंगे तो ये इनफ्लो है और ये आउटफ्लो है तो यहां पर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स डिवेंचर्स को इशू करेंगे तो ऑब्वियसली अमाउंट रिसीव होगी वन लेख और अगर इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो आउटफ्लो होगा तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो कि थर्टी सिक्स थाउजेंड है उसको हम कर देंगे माइनर मतलब अगर सीक्वेंस वाइज चलते हैं तो कोई इंफॉर्मेशन छूटेगी नहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा तो अब हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कोई अमाउंट रिमेनिंग नहीं रहती तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट तो हमारे पास है प्लस आइटम जो कि है थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड माइनस आइटम में हमारे पास कितनी वैल्यू है इसको प्लस so हमारे पास है फोर लेख इलेवन थाउजेंड तो प्लस माइनस माइनस होता है जो हमारे पास आएगा वो नेगेटिव में आएगा उज तो इसको क्या लिखेंगे कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्योंकि ये आउटफ्लो है नेगेटिव आंसर है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बस आपको इतना ही कंसिडर करना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के थ्रू इनफ्लो कितने Next, एक और आउटफ्लो कितने क्वेश्चन ट्राई करते हैं लेकिन एक और क्वेश्चन ट्राई करने से पहले हम कुछ आपको स्पेशल ट्रीटमेंट बता देते हैं जो कि आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ध्यान रखने होंगे पहला शेयर इशू एक्सपेंसेस एंड अंडर राइटिंग कमीशन पेड कई बार क्या होता है कंपनी को फाइनेंस रेज करने के लिए डिबेंचर्स या फिर शेयर्स इशू करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं अंडर राइटिंग कमीशन ब्रोकरेज कमीशन प्रोस्पेक्टस एक्सपेंसेस तो ये सब एक्सपेंसेस जो हैं वो फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस ही कहलाएंगे क्योंकि फाइनेंस को रेस करने के लिए किए गए हैं ना ये खर्चे तो जो भी खर्चा किया जाएगा फाइनेंस को रेस करने के लिए वो फाइनेंसिंग आउटफ्लो होगा तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने होते हैं याद होगा तो ये एक्सपेंसेस हैं कौन से फाइनेंसिंग तो इसको हम प्लस कर देंगे ना क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है तो ये याद रखना है कि अगर एक्सपेंसेस आपने किए हैं डिवेंचर्स या इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने के टाइम पर तो वो आउटफ्लो है माइनस किया जाएगा लेकिन प्लस होगा किस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सिमिलरली अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट अभी मैंने आपको बता दिया अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो डिस्काउंट पर या प्रीमियम पर तो प्रीमियम आपको प्लस करना है और अगर डिस्काउंट पर इशू किए तो डिस्काउंट माइनस करना है नेक्स्ट हमारे पास है राइटिंग ऑफ इशू एक्सपेंसेस एट डिस्काउंट अब कई बार क्या होता है कि आपको ना 2 इयर्स का डाटा गिवन होता है फॉर एग्जांपल 2020 एंड मान लो कि 2019 में आपका डिस्काउंट जो कि आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ था वो है 50000 अब वो डिस्काउंट डिक्रीज होके हो, हो चुका है या फिर इशू एक्सपेंसेस डिक्रीज होके हो चुके हैं 30000 के तो इसका मतलब आप डिस्काउंट को राइट ऑफ कर रहे हो पहले 50000 था अब डिस्काउंट 30000 का कैसे हो गया मतलब आपने प्रॉफिट को यूज करते हुए कुछ पोर्शन डिस्काउंट का बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया निकाल दिया इसका मतलब आपने प्रॉफिट में से माइनस किया है तो इसका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए ये एक तरह की नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो अगर आप कोई भी डिस्काउंट या फिर इशू एक्सपेंसेस बुक्स में से राइट ऑफ करते हैं डिक्रीज करते हैं तो वो हमें प्लस करना होता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ये थ्री ट्रीटमेंट है जो तो कि इंपॉर्टेंट है जो आपको पता रहने चाहिए इश्यू एक्सपेंसिस अंडर राइटिंग कमीशन कैश फ्लो एक्टिविटी होता है हम इसको माइनस करते हैं लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग है तो प्लस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने, करने के लिए प्रीमियम अगर है डिवेंचर्स को इशू करने के टाइम पर तो प्लस करेंगे और अगर डिस्काउंट पर इशू किए तो माइनस करेंगे सिमिलरली अगर कोई डिस्काउंट या फिर लॉस या फिर इशू एक्सपेंसेस आपने राइट ऑफ किए हैं दैट इज आल्सो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसको भी आपने प्लस करना है अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लेते हैं आप भी ये क्वेश्चन मेरे साथ ट्राई करिए ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक एक्टिविटी को उठाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है उसको हम टिक कर देते हैं फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले देखेंगे 2019 और 2020 का डाटा है पहले के कंपैरिजन में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है यानी इसका मतलब आपने मार्केट में शेयर्स इश्यू किए होंगे इट ये आपका इनफ्लो है चलिए अब इक्विटी शेयर के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम सब टिक कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास है इक्विटी शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए 20 के, ओके? डिविडेंड पे किया जाएगा इक्विटी शेयर के ऊपर अंडर राइटिंग कमीशन पे की जाएगी इक्विटी शेयर के ऊपर मतलब इक्विटी शेयर को इशू करने के टाइम पर हमें कमीशन देनी पड़े चलिए तो इक्विटी शेयर के रिगार्डिंग ये थ्री इन्फॉर्मेशन है इन तीनों इन्फॉर्मेशन का ट्रीटमेंट हम एक ही बार कर देंगे ताकि बार बार कोई झमेला ना रहे कोई दिक्कत ना रहे कोई परेशानी ना आए फाइनल आंसर फाइंड आउट करने के लिए ये सबसे इजी वे है एडिशनल इंफॉर्मेशन को यूज करने का तो आपने डिबेंचर्स सॉरी इक्विटी शेयर्स इशू किए फाइव लैक के ठीक है इनफ्लो है इसको रिकॉर्ड करते हैं हम यहां पर यहां पर हम लिख लेते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ये रफ वर्क है फाइव लैख तो फाइव लैख के आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं पैसा आ रहा है पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कह रहे हैं कि आपने जो इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं ना वो आपने ट्वेंटी परसेंट के प्रीमियम पर इशू किए तो ट्वेंटी परसेंट प्रीमियम क्या होगा फाइव लैख इक्विटी शेयर आपने इशू किए फाइव लैख का ट्वेंटी परसेंट कर दो क्या आएगा वन तो प्रीमियम है देन थर्ड इंफॉर्मेशन में आपको कह रहे हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन में कि आपने इक्विटी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना है तो ये तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो ये तो आउटफ्लो होगा इंट्रीम डिविडेंड वन लैक फिफ्टी थाउजेंड आउटफ्लो यानी माइनस करना है और ये दोनों तो इनफ्लो हैं लास्ट इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं कि इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने के लिए आपने कमीशन भी दी है भाई ट्वेंटी थाउजेंड क्या करेंगे माइनस करेंगे आउटफ्लो है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करना होता है तो कमीशन ट्वेंटी थाउजेंड ये भी आउटफ्लो है यानी माइनस करना पड़ेगा तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन को हम यहां पर रिकॉर्ड कर लेते हैं सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो फर्स्ट हमारे पास आएगा इनफ्लो और नेक्स्ट हमारे पास आएगा आउटफ्लो तो इनफ्लो की अगर बात की जाए तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा जो हमने शेयर्स इश्यू किए प्रीमियम पर तो हम यहां पर लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आप चाहो तो प्रीमियम सेपरेट भी शो कर सकते हो लेकिन हम साथ में ही शो कर लेते हैं फाइव लैख प्लस वन लैख जो कि प्रीमियम है तो टोटल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है हमें सिक्स लेख देन नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटफ्लो जो हमने डिविडेंड पे किया है तो इंट्रीम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, दैट इज वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और अंडर राइटिंग कमीशन भी पे किए तो वो भी हमें माइनस करनी है ट्वेंटी थाउजेंड अब देखिए इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी वो सारी हमने यूज कर ली अब दोबारा हमें इक्विटी शेयर को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी सारी ट्रीटमेंट हमने कर दी है नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले थे फाइव लैख लेकिन अब हो चुके हैं नील यानी बिगनिंग में हमारे पास फाइव लैख के थे अब वो जीरो हो गए कैसे ऑब्वियसली हमने पैसे रिटर्न कर दिए वापस कर दिए यानी हमने फाइव लैख के अमाउंट वापस कर दी तो ये क्या कहलाएगी आउटफ्लो अब अगर प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन है तो अब हम उसको देखेंगे तो सबसे पहले ये प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंग है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें ट्वेल्व परसेंट प्रेफरेंस शेयर पे अमाउंट पे करनी है और रिडीम उसको किया गया पार पे यानी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू हमें पे करनी ही नहीं है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था हम प्रेफरेंस शेयर को फाइव परसेंट प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम पार पे रिडीम कर रहे हैं यानी फाइव लैक को फाइव लैख ही पेमेंट करनी है देन ये लास्ट हमें कह रहे हैं डिविडेंड कि हमने कितना पे किया प्रेफरेंस शेयर्स को सिक्सटी थाउजेंड तो ट्वेल्व परसेंट अगर करेंगे फाइव लैक का तो सिक्सटी थाउजेंड ही आएगा और हमें फाइव लैक के ऊपर ही कैलकुलेशन करनी है क्योंकि लास्ट में तो जीरो दे रखी है चलिए सो ये दो इंफॉर्मेशन हम यूज कर लेते हैं ये भी आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो है तो दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां पर लिखेंगे शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट इज फाइव लैक माइनस करेंगे और डिविडेंड जो पे किए वो भी माइनस होगा डिविडेंड ऑन प्रेफरें दैट इज सिक्सटी थाउजेंड अब प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग भी हमने सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली अब हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन बची है ओनली दिस वन थर्ड फर्स्ट और सेकंड यूज हो चुकी है फोर्थ भी यूज हो चुकी है fifth, और फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ भी यूज हो चुकी है तो ये दो इन्फॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है डिवेंचर्स के रिगार्डिंग तो डिबेंचर्स को अगर देखा जाए तो पहले हमारे पास एक भी डिवेंचर नहीं था डिवेंचर का एक भी पैसा नहीं था लेकिन अब ये इंक्रीज हो गया कैसे ऑब्वियसली कंपनी ने मार्केट में डिवेंचर्स इशू किए होंगे और अमाउंट रेस की होगी यानी अमाउंट रिसीव हो रही है तो ये इनफ्लू है यानी प्लस किया जाएगा अब इसके रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन गिवन है थर्ड में हमें कह रहे हैं डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट मैंने आपको अभी बताया था कि अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए जाएंगे तो वो अमाउंट हमें माइनस कर देनी है तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड डिवेंचर इशू किए गए हैं टेन परसेंट डिस्काउंट है मतलब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का डिस्काउंट हो गया तो पैसा कितना मिलेगा हमें आफ्टर डिस्काउंट टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ना तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को हमने डिस्काउंट दे दिया वो हमें माइनस कर देने तो ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हम यहीं से माइनस कर देंगे नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट पे करना है डिवेंचर्स तो के ऊपर फोर्टीन परसेंट जो कि थर्टी फाइव थाउजेंड है कैलकुलेट करके ऑलरेडी दिया हुआ है तो सेपरेटली आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम इसी को यूज करेंगे और ये हमारे लिए क्या होगा आउटफ्लो क्योंकि इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है ना तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ये दो इन्फॉर्मेशन हैं इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहां पर हम लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स तो डिवेंचर्स वैसे तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड के ही इशू किए गए थे लेकिन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी टेन परसेंट डिस्काउंट है तो फाइनल अमाउंट हमें कितनी मिलेगी टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी इनफ्लो कितने टू लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड देन इंटरेस्ट पे किया जाएगा जो कि आउटफ्लो है, so है तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो कि हमें गिवन है थर्टी फाइव थाउजेंड तो माइनस कर देंगे इसका मतलब अब हमने सारी इंफॉर्मेशन यूज कर ली है और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास रिमेनिंग नहीं है अब जल्दी से सबसे पहले ये हमारे पास आएगा प्लस आइटम्स दैट इज एट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और नेगेटिव हमारे पास कितनी है इन सबको प्लस कर देंगे वन लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस ट्वेंटी थाउजेंड प्लस फाइव लैख प्लस सिक्सटी थाउजेंड एंड प्लस थर्टी फाइव थाउजेंड तो ये हमारे पास आएगा नेगेटिव में सेवन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड तो प्लस माइनस होता तो माइनस है लेकिन आंसर हमारा प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट प्लस में है ना तो एट लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से डिफरेंस लेते हैं तो फाइनल आंसर क्या आएगा सिक्सटी थाउजेंड तो इसको हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहां पर हमने इन्वेस्टिंग लिखा है फाइनेंसिंग है ना ये फाइनेंसिंग आएगा चलिए तो ये था हमारा आज का लेक्चर आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिए ताकि कुछ बेनिफिट आपको हो जाए आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरे को भी हो जाए तो ऑल द वेरी बेस्ट हैव नाइस डे ग्रेट डे